नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसबीएन न्यूज। देश इस वक्त कोरोना वैश्विक महामारी से पूरी तरह से परेशान है। इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने घोषणा किया था कि हर एक गांव में, हर एक पंचायत में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए, जो बाहर से जो व्यक्ति आते हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए। तो मैं इस वक्त समस्तीपुर के ग्रामीण इलाके में हूँ, चैता दक्षिणी पंचायत है, और यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया था जो भी बाहर से आए थे। उसमें से कुछ का छुट्टी हो चुका है, कुछ व्यक्ति जिसको आज समय समाप्त हो रहा है उनको भी आज यहाँ से विदा किया जाएगा, जो 14 दिन की कार्यावधि थी। और आप देख रहे हैं कि जो भी लोग जिनका आज छुट्टी है, 14 दिन हो चुका है, और ये लोग देख सकते हैं कि ये लोग का आज 14 दिन का जो समय सीमा होता है, जो अवधि होता है, वो समाप्त हो चुका है। और ये लोगों को आज इस ग्राम पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि है उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट के माध्यम से सर्टिफिकेट देने के साथ ही इनको आज विदा किया जाएगा। आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं उत्तर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, और आप कोरोना आइसोलेशन केंद्र उत्कर्मित मध्य विद्यालय चैतालीस जी और मुखिया जी जो बारी बारी से बुला करके सभी को यहाँ पे दे रहे हैं जो प्रमाण पत्र। आप देख सकते हैं मनीष कुमार, शत्रुधन कुमार, मंटुन सहन, तो इस तरीके से प्रमाण पत्र वितरण किया गया है। और साथ ही जैसा कि मुझे सुनने में आया था कि जॉब कार्ड भी कुछ लोगों को यहाँ पे प्रदान किए हैं, तो आइए हम कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। और कोरोना का जो मतलब सरकार ने बताया था, आइए आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कोरोना, कोरोना मतलब कोई रोड पर ना निकले अनावश्यक रूप से। तो ये था, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आज छुट्टी होने वाला है। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। और क्या नाम हुआ आपका? मंटुन सहनी। मंटुन सहनी जी, आप कहाँ से आए थे? गया से आए हैं। गया से आए थे, तो जब गया से आए थे तो यहाँ पे क्वारंटाइन आपको कुछ कोई व्यक्ति किया था कि आप खुद आए थे यहाँ पे? नहीं, हम खुद चल करके आए समाज को जागरूक करने के लिए। जब समाज में आए, देखे जो कोई आदमी जो है सो घर से जो है सो नहीं निकल रहा है, तो मैं खुद जो है सो चल करते रहे 14 आदमी के साथ पूरे टीम में आए यहाँ। यहाँ का जो चैता दक्षिणी का प्रतिनिधि मुखिया पति श्री कमलकांत राय जी के द्वारा जो व्यवस्था है यहाँ, उस व्यवस्था में कहीं से कोई कमी नहीं रहा। खाने पीने और जॉब कार्ड के साथ हम लोगों को आज 14 माह दिन विदा जो है सो किए हैं। तो आप यहाँ 14 दिन रहे, तो मेडिकल की टीम आती थी आपको जाँच करने के लिए? बराबर मेडिकल टीम जो है सो आता था यहाँ। अच्छा, बराबर। तो आप जब यहाँ आए 14 दिन रहे, तो उसके अंदर आपको 14 दिन के दरमियान जो कुछ परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी? कोई परेशानी। तो फिर से आप अपना नाम बताएं, क्या नाम बताएं? मंटुन सहनी। मंटुन सहनी, कहाँ घर पड़ता है? चैता दक्षिणी। चैता दक्षिणी। क्या संदेश देना क्या चाहेंगे कोरोना के लेकर के? कोरोना के लिए संदेश जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लॉकडाउन जनता कर्फ्यू जो लगाया गया है, वो हम सभी के लिए लगाया गया है। अच्छा। सुरक्षित सभी जनता के लिए लगाया गया है। हम इस लॉकडाउन को समर्थन करते हैं और चाहेंगे जो ये सेंटर हम मांग करते हैं प्रशासन से, चैता दक्षिणी में जो सेंटर चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। कारण जो कहीं आगे और व्यवस्था यदि हो रहा है, तो जिस स्थिति में मजदूर जो है सो दूसरे राज्य से बिहार आने का स्टार्ट हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है सो जमघट लगेगा और जगह। और यहाँ जो है सो हम लोग जी रहे हैं, बहुत अच्छा ढंग से रहे हैं, इसीलिए डीएम साहब से जो है ना मांग कर रहे हैं जो ये केंद्र यही चैता दक्षिणी के अंदर ही चलता रहना चाहिए, इतना ही कर करके। तो ये मतलब मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से कि यहाँ ही कोरोना जो सेंटर बनाया गया है, क्वारंटाइन सेंटर, यहीं पे रहे। हाँ। तो आप देख सकते हैं सभी लोग जो आज कुल 14 लोगों की आज यहाँ जो अवधि थी 14 दिनों का, वो समाप्त हो चुका है। इन लोगों को हाथ में जॉब कार्ड भी आप देख सकते हैं,
कि जो कैमरा मैन इधर जॉब कार्ड पे दिखाए कि ये जॉब कार्ड है और इनको जॉब कार्ड है और ये प्रमाण पत्र है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मिला है कि इनको 14 दिन जो क्वारंटाइन किया गया था उसके लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग जा रहे हैं और कुछ और यहाँ पे आए हैं पेशेंट, जो बाहर से चल के आए थे, पेशेंट नहीं है वो, हरियाणा से चल के, जैसा कि सूचना मिला था कि मोटरसाइकिल से आए हैं, ये साइकिल से आए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से लोग मजबूर हैं, मोटरसाइकिल साइकिल जो भी मतलब यातायात के साधन मिलता है उससे लोग आते हैं। तो जो यहाँ आए हैं हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जो व्यक्ति हरियाणा से चल के आए हैं हम उनसे आगे बात करते हैं कि मतलब कैसे आए हैं। और आप तो देख सकते हैं कि ये आए हैं साइकिल है जो हरियाणा से बिहार आया है, बिहार के समस्तीपुर के चैका गांव आया है। और देख सकते हैं जिस तरीके से आए हैं, साइकिल है, साइकिल के ऊपर भी बैग रखा हुआ है और उसमें कुछ खाने का भी सामान साथ में लेकर के आए थे। तो हम बात करते हैं इनसे, क्या नाम हुआ? टुन कुमार यादव जी। कहाँ से आए हैं? पंजाब से, लुधियाना से आए। अच्छा, लुधियाना से आप आए हैं। तो आप लुधियाना से साइकिल से आए? जी आया है साइकिल से। तो आप लुधियाना से साइकिल से किस तरीके से आए? जमुना जी हिल कर आए, बॉर्डर से नहीं आने दिए। तो आप साइकिल चला कर कहाँ से आए हैं जी? बीच रास्ते में आपके साथ क्या क्या परेशानी हुई? परेशानी तो कुछ नहीं हुआ, वैसे खाने पीने की थोड़ा दिक्कत हुआ। अच्छा, पैसे कौड़ी नहीं था, खाने पीने के लिए पैसे था, वो साइकिल खरीद कर साइकिल से आए। अच्छा, अपना पेट को मारते हुए आए। तो आप वहाँ से जब चले थे तो नया साइकिल खरीदे थे? नहीं जी, सेकंड हैंड ही खरीदे थे। सेकंड हैंड साइकिल खरीद करके तब वहाँ से आए जी? तब आए। कितना दिन लगा आपको आने में? वहाँ से आने में 9 दिन लगे। आपको वहाँ से आने में, आप पंजाब के लुधियाना में रहते, तो वहाँ से आने में आपको 9 दिन लगा जी? बीच में आपको प्रशासन नहीं मिला क्या? प्रशासन मिला। तो प्रशासन रास्ते में क्या क्या कह रहे हैं आपको? रोक भी रहे थे जी, लोग नहीं पहुंच पाओगे साइकिल से। अच्छा, मत जाओ, यहीं रह जाओ, लॉकडाउन खुले जब जाना। हमने कह रहे हैं साहब, उनको खाने पीने का दिक्कत है, रूम मालिक रहने नहीं देते हैं, तो खाली करो। हम लोग खाली कर दिए। अच्छा, चले जाओ। तो वहाँ आपको काफ़ी परेशानी हुई थी? हाँ जी, वहाँ आपको परेशानी था, इसलिए आप साइकिल से आए जी। तो क्या नाम हुआ फिर से आप बताएं? टुन कुमार यादव। पिताजी का नाम? चेतन राय। घर कहाँ हुआ? सगमा पर। घर सगमा हुआ। तो ये टुन कुमार जी हैं जो पंजाब के लुधियाना शहर से ये यहाँ पे आए, साइकिल से आए, और इनको साइकिल से यहाँ पहुँचने में कुल 9 दिन लगा है। तो ये टुन कुमार जी थे। तो आइए हम कुछ और व्यक्ति से बात करते हैं, यहाँ के जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान प्रतिनिधि है उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं कि अभी तक यहाँ पे कितना लोग को क्वारंटाइन किया गया है। तो आइए जो मुखिया प्रतिनिधि है उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो मुखिया जी, कितना जो है व्यक्ति यहाँ पे क्वारंटाइन किया था आपने? अभी यहाँ कुल 39 लोग क्वारंटाइन हुए हैं, जिसमें से बारी बारी से 4, 4, 3 11 लोग पहले यहाँ से जा चुके हैं, जो सभी लोग स्वस्थ हैं, और आज 13 लोग यहाँ से क्वारंटाइन अवधि 14 दिन पूरा करने के बाद 15वां दिन इनको मेडिकल सर्टिफिकेट के सहित और सरकार की जो घोषणा, जो भी क्वारंटाइन लोग हैं बाहर में, अप्रवासी मजदूर थे, अगर गांव में अब वो काम करना चाहते हैं तो मनरेगा के तहत उनका भी निबंधन कराया जाए, और जो लोग सरकार के निर्देश को और जन पंचायत के जनप्रतिनिधि के आग्रह मान करके नियम पूर्वक क्वारंटाइन में आते हैं उन्हें मुखिया ग्राम पंचायत चैता दक्षिणी मीना देवी की ओर से अंग वस्त्र से भी सम्मानित करके विदा किया जाता है। जी, आज कितने लोगों को आज यहाँ पे जो 14 दिन का लॉकडाउन का समय सीमा का समाप्त हो रहा है? आज 13 लोगों का था, आज 13 लोग यहाँ से विदा होकर जा रहे हैं। और ये लोग सिर्फ अप्रवासी संदिग्ध मजदूर ही नहीं, जो लोग चैता दक्षिणी से हैं वो चैता दक्षिणी ग्राम पंचायत के वेस्ट जागरूकता अभियान चलाने में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में रहेंगे, और कोई भी व्यक्ति बाहर से आने वाला जब तक सरकार का लॉकडाउन रहता है बगैर स्वास्थ्य का जांच कराए और क्वारंटाइन रहे गांव में फ्रीली नहीं रह सकता है, ये हम लोगों का मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुखिया प्रतिनिधि हैं चैता दक्षिणी के, और हम जो भी लोग यहाँ से आज इनका समय पूरा, हम भी उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।
स्वस्थ अच्छे जीवन की हम कामना करते हैं। और कैमरामैन विकास के साथ मैं मुकेश कुमार, HBN न्यूज़ समस्तीपुर।